एक अव्वाल और एक परमाणु बाढ़ तो क्या था? चार हमें छह बचे। तो मार्ग सम्यक के बाद मैंने वहां दो तो आखिरी के दे दिए, दो शुरू के दे दिए, बीच के छह बज गए। तो मार्ग सम्यक के बाद यहाँ पंडित जी की हस्तलिखित प्रति में छह सम्यक का वर्णन करने के लिए तीन पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया। तीन पंक्ति पंडित जी ने छोड़ दी थी कि बाद में अपन वर्णन करेंगे। तो उन तीन पंक्तियों की पूर्ति अभी यहाँ जो नीचे है इससे करेंगे, किंतु वे लिख नहीं पाए। क्यों नहीं लिख पाए? हाँ, बीच में उनकी मृत्यु हो गई, ग्रंथ भी पूरा नहीं कर पाए बच्चे। तो यह वर्णन अन्य ग्रंथों के अनुसार दिया जाता। तो तीसरे नंबर का सम्यक देखो, तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदि उनके पुराणों के उद्देश्य से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, सो उपदेश सम्यक है। क्या हुआ, क्या समझ में आया? प्रश्न ये कि सम्यक तो किसके निमित्त से हुआ? तो किसके निमित्त से हुआ? पुराण पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष। उत्कृष्ट पुरुष कौन है? पंच परमेश की, उनमें भी सर्वोत्कृष्ट अरत देव सिद्ध देव और उनमें भी तीर्थंकर प्रभो, उनके पुराण के उद्देश्य उत्पन्न। क्या दुनिया में अपन जिनके दर्शन करते हैं वे सर्वोत्कृष्ट है? तीन लोक के नाथ देवाधिदेव, अनंत भगवान, और अनंत में भी जिनवर ऋषभ तीर्थंकर, बोलो सबसे श्रेष्ठ वस्तु अपने को मिली हुई है दुनिया में। क्या सबसे महान पुरुष का संयोग है? तीन लोक की सर्वोत्कृष्ट उन्नत्री, तीन लोक के नाथ, और उनमें भी तीर्थंकर प्रभो, क्यों उनसे बढ़ के वैभव और किसी का नहीं है दुनिया में। क्या हम सबसे महा वैभवशाली है? आर्थिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, गुणों की अपेक्षा हमें जिनका संयोग प्राप्त हुआ है वे गुणों में सबसे अधिक है विश्व में। हम उनके पास जाते हैं सबसे अधिक गुणों को प्राप्त करने, सर्वोत्कृष्ट गुण को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्कृष्ट गुणधारी प्रभु की सेवा करते हैं। तीर्थंकर एक तो अनंत, और अनंतों में भी श्रेष्ठ तीर्थंकर, या जिनके निमित्त से जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चली, ऐसे 24 तीर्थंकर जिनका नाम मात्र अपने कंठ को पवित्र कर देता है। अब ऐसे तीर्थंकरों के पुराण के उद्देश्य, उनका जो पुराण, उनका जो चरित्र है, महावीर पुराण, आदिनाथ पुराण, ये जो पुराण के उद्देश्य क्या उत्पन्न हुआ? सम्यक ज्ञान, और उस सम्यक ज्ञान से उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, मैंने वो सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान उससे जो आगम समुद्र है, आगम समुद्र में जो प्रवीण पुरुष है उनसे जो उपदेश की प्राप्ति हुई। सीधी सीधी बात यह है कि तीर्थंकर आदि के पुराण को सुनने से जो सम्यक प्रकट हुआ उसका नाम उपदेश सम्यक है। तीर्थंकर के पुराण के निमित्त से बहुत महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़कर हमें भी उन जैसा बनने की प्रेरणा मिली। तीर्थंकरों का पुराण पढ़ना चाहिए, तीर्थंकर बनने की भावना उत्पन्न हो। क्या उनका जीवन कितना परम पवित्र था, उनके पूर्वों के भवांतरों का वर्णन, वर्तमान जीवन कितनी उज्ज्वलता और पवित्रता उनके जीवन में थी, और कैसे उन्होंने अपनी जीवन का उत्थान किया, मोक्ष मार्ग में किस प्रकार से आगे बढ़े, ये सबका वर्णन, किस प्रकार से उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई, कहाँ कैसे थे वे,
कहां से क्या हो गया, क्या पामर से भगवान, पशु से भगवान, पूछ वाले भगवान बन गए, शेर हाथी और यहाँ मूछ वाले बेटे हैं बहुत सारे, क्या अभी तो है ही नहीं कितने लोग, लेकिन कैसे कैसे जीव तिर गए, क्या कहाँ कि कहाँ से कहाँ से कहाँ, तो इनके उपदेश से अपने को प्रेरणा मिलती है और अपने को भाव भावांतरों का निरूपण पढ़ के आत्मा की अनादि अनंतता की श्रद्धा दृढ़ होती है। आत्मा कोई अभी 10-20 साल में ही नहीं है, जिंदगी की सारी प्लानिंग कितने साल की है, बताओ अपन लोगों की जितनी प्लानिंग है वो कितने साल, कुछ साल हो, एक्चुअली में अपनी प्लानिंग ही सही नहीं है, वास्तव में अपनी प्लानिंग सबकी फेल है, क्यों, क्योंकि अपन ने जो प्लानिंग कर रखी है 70-80 साल की नहीं कर रखी, 500 साल की कर रखी, हर आदमी के 5 पीढ़ी का धन है, 5 पीढ़ी का धन इकट्ठा करके रखता है, भले ही नहीं होवे, होवे 2-3 कई, लेकिन सोच तो 5 की इकट्ठा करने की, और वैसे भी किसी की पास देख लो उसकी जिंदगी भर की तो पर्याप्त संपत्ति हो गई है, कोई भी जैनी आदमी कर्जे में या 5 रुपया खत्म करके नहीं मरता, हर जैनी मरता है तो अपने पीछे कुछ करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ही छोड़ के जाता है, तो उसकी प्लानिंग फेल रही कि सक्सेसफुल रही, फिर तो एकदम फेल गया पूरा, उसने अपनी जिंदगी 5 करोड़ के लिए पीछे खो दी, 5 करोड़ इकट्ठा किया मैंने उसने लाइफ खो दी, लोग कचौड़े साहब इतना माल छोड़ के गया, मैंने कहा माल छोड़ के नहीं गया, माल खो के गया, फेल है ना प्लानिंग, वो यही नहीं निर्णय कर पाया कि मेरे को जिंदगी में कितना जरूरत पड़ेगा, तो जोड़ते ही गया मरते दम तक जोड़ते ही गया और मर गया, क्यों, अपने को रोटी बनाना, रोटी खाना हो, रोटी बनाते जाए और रात ही हो जाए तो फेल प्लानिंग कहलाएगी कि सक्सेसफुल, फेल है वो प्लानिंग, लोग दुनिया के बड़े सक्सेसफुल, मेरे हिसाब से प्लानिंग फेल है, क्यों फेल है, क्योंकि वो उसका उपभोग तो कर ही नहीं पाया, सक्सेसफुल प्लानिंग उसकी है क्या जो अपने पीछे कुछ कर्जा छोड़ के जाए, कर्जा नहीं तो भी कम से कम पूरा बैलेंस करके जाए तो निपटते नहीं, मैं तो मैंने व्यंग के रूप में कहा, मैं इतना लंबा कहा तो उसमें तो ही थोड़ा बहुत छोड़ के जाए, मतलब क्या कर्जे की खींच के कही ताकि कम से कम कुछ उससे ममता घटे, कर्जा कह रहे तो कौन कर्जा, मैं के भी जाऊँ ना कि कर्जा छोड़ के जाना, तो इनमें से एक भी छोड़ के जाना ना कर्जा छोड़, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे, कोई भी बिना छोड़े नहीं जाएगा, गारंटी है, क्या चाहे 2 रुपए छोड़ के जाए, चाहे 2 करोड़ छोड़ के जाए, चाहे 200 करोड़ छोड़ के जाए, लेकिन सब छोड़ के ही जाने वाले हैं, कुछ भी हिसाब खत्म करके जाने वाले नहीं, अब उसमें कोई दम तो ही नहीं है, एक आदमी 200 करोड़ छोड़ के गया वो वहां मूर्ख, 2 करोड़ छोड़ के जाने वाले से 200 छोड़ के जाने वाला क्या, और 2 रुपए छोड़ने वाला सबसे ज्यादा समझदार, वही उसने इतना हिसाब किताब रखा कि बस आखिरी में 2 रुपए बचे बस, क्या या थोड़ी बहुत अर्थी जलाने के हिसाब से रख कभी कोई नहीं दे तो क्या, वैसे वो जलाने वाला आ जाते हैं तो ध्यान रखेंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी ना, तो क्या तो वो उनके पुराण आदि के उपदेश से अपने को ये सब प्रेरणा मिलती थी, महापुरुषों का जीवन कैसा था,
तो ये बलराम चरित पढ़ो, आप पढ़ो बलराम चरित, उसमें वो जो है बलराम कुमार थे, तो उनको भाइयों ने कहा कि तुम कुछ कमाते नहीं हो, चलो घर से भाग लो, भगा दिया, तो चले गए, गए तो खेती, एक मैंने बताया पहले नहीं बताया, उन्होंने एक ऐसी ऐसी एक एक जने को हल जोतते हुए देखा, तो उन्होंने कहा मैंने सब विद्या सीखी लेकिन ये हल जोतना नहीं सीखा, तो उसने उससे किसान से कहा कि थोड़ा बहुत मैं भी जोत लूँ, तो कहा जोत लो, मैं भी हमें खाना खा के आता हूँ, तब तक तुम जोत लो, वो खाना खाने गया, अरे इन्होंने हल जोतना चालू किया, थोड़ी सी दूर जोता और रुक गया, हल रुक गया, देखा क्या है, थोड़ा खोदा तो देखा तो सोने का घड़ा निकल गया, मोहरे भरी नहीं थी, बोलो, तो उन्होंने कहा ले ले तो ये मेरा नहीं है, तो किसान का है, और फटाफट उन्होंने जो है वापस से उसको वहीं का वहीं दबा दिया, मिट्टी डाल दिया, और वो आ गया और उसने कहा कि भाई तेरा ये हल ये ले, तो जो हम जाते जाने तो चले गए, थोड़ा सा किसान ने जब जोतना चालू किया तो किसान को थोड़ा सा जोत के फिर किसान का भी रुक गया, किसान ने देखा, किसान ने देखा, किसान समझ गया कि तो सारी मिट्टी निकली हुई है और ये सब इस तरह से अव्यवस्थित, ये तो उसका ही है, बोले कि अपना नहीं, क्या कितनी गजब बात है, किसान उसको बुलाने जाता है कि भाई तुम्हारा सोने का घड़ा, मैंने तो उन्होंने वो आए बोले मेरे मेरा कहाँ से हो गया, ये तो ये जमीन में से निकला है, तो बोले जमीन तो मेरे पिताजी नहीं मेरे दादाजी और कितनी पीढ़ियाँ हुई जोतते जोतते यहाँ यदि हमारा होता तो हमारे भाग्य में होता तो कब से निकल जाता है, ये हमारे भाग्य का नहीं है तुम्हारे भाग, तो वो कहता है कि ठीक है चलो तुमने माना कि मेरे भाग्य का, तो मैं तुमको समझ लो गिफ्ट दे रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, और वो उसको भेंट स्वरूप किसान को देके आगे, जिसकी जेब में एक पैसा भी नहीं हो, बोलो, और किसान ये आज के किसानों के लिए, और जिनको घर से कुछ भी नहीं मिला है उनके लिए, उन दोनों के लिए ये शिक्षा प्रद कहानी क्या बलराम चरित्र में आती है, तो ये इन पुराण पुरुषों के उपदेश आदि से अपने को जो है ऐसी दृष्टि मिलती है जिसके निमित्त से परिणामों में निर्मलता और वैराग्य, परिणामों में कोमलता निर्मलता वैराग्य उत्पन्न होता है, और उससे कोई तत्व विचार मतलब उस मंद कषाय के काल में तत्व का भी उपदेश उसमें मिलता है, तत्व विचार करे सम्यक हो सकता है उसको, पुराणों में सब बातें आती है, पुराणों में तत्व की बात आएगी, क्या लोकालोक का ही वर्णन आ जाएगा, स्वर्ग नरक का भी, त्रिलोक सार भी आ जाता है उसमें, चरणानियोग भी आ जाता है और कर्णानियोग भी और द्रव्यानियोग अध्यास का भी उपदेश आ जाता है, एक्चुअल में पुराण में सब उपदेश आदि के माध्यम से मैंने सबका उपदेश देते हैं, मतलब मुनिराज उपदेश करते हैं तो वो मुनिराज के उपदेश के अंदर वो सब चीज़ें समाहित कर देते हैं, पढ़ना चाहिए, क्या अपने को दिन भर टाइम मिलता है तो सबको पुराण पढ़ना चाहिए, आदि पुराण, चौबीस शंकर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, जम्बू स्वामी चरित्र, तो पढ़ना चाहिए, नहीं हो तो मैं ला के सबको दे दूंगा एक किताब, पद्म पुराण वगैरह तो मेरे पास रखे थे, अभी तो होंगे थोड़े मंगवाएंगे, यदि पढ़े पढ़ने वाले लोग हो तो ये एक तो पहला उपदेश सम्यक हुआ, पुराण पुरुषों के उपदेश आदि से उत्पन्न हुई जो निर्मल दृष्टि, उससे जो सम्यक हुआ उसका नाम क्या है, उपदेश, उपदेश मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र, मुनि के आचरण का विधान करने वाला, मुनि के आचरण का विधान करने वाला मतलब कौन सा नियम हुआ है, चरण, तो मुनि के आचरण के विधान का प्रतिपादन करते संविधान, मुनिराज के आचरण का संविधान माने उनके क्या विधान, विधि विधान क्या है, उनके मूल गुणों का विधान क्या है, उनका कैसा जीवन होता है, क्या आचरण उनका होता है, कैसे महाव्रत होते हैं, समिति होती है, युक्ति होती है, पंच महा पंच इंद्री जय छः आवश्यक सब कैसे होते हैं, सात आवश्यक माने वो किस प्रकार से होना चाहिए,
कैसे वो होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, वो क्यों किए जाते हैं, उसका क्या प्रयोजन है। तो ये आचरण के विधान को वर्णन करने वाला जो आचार सूत्र है उसका उसे सुनकर जो श्रद्धा करना हो उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही। क्या नाम है इसका? सूत्र दृष्टि। पहली वाली कौन सी दृष्टि थी? उपदेश दृष्टि। दृष्टि डालेंगे हरे को, दृष्टि माने सम्यक, पहले वाला उपदेश सम्यक है, ये सूत्र दृष्टि माने कौन सा सम्यक है? सूत्र सम्यक। सूत्र में वर्णन माने मुनिराज का आचरण का वर्णन कह रहे हो, सूत्र है और प्रथमा नियोग के उपदेश आदि का, प्रथमा नियोग का वो जो हमने पुराण सुना वो क्या है? उपदेश। प्रथमा नियोग के पुराण को कह रहे उपदेश, मुनिराज के आचरण का नाम है सूत्र। जैसे मूलाचार है वर्तमान, मूलाचार अनगार धर्मामृत है, बहुत एवं ग्रंथ है अनगार धर्मामृत, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, एक बहुत बढ़िया ग्रंथ पंडित आशाधर जी का अनगार धर्मामृत, अनगारों का वर्णन करने वाला। इसी वट के स्वामी का मूलाचार है, दोनों बहुत बढ़िया ग्रंथ है मुनिराज के आचरण का वर्णन करने वाले, कैसा उनका आचरण होता है, पर पढ़ना चाहिए उसको, समझ में आएगा कैसा मुनिराज का जीवन होता है। और तीसरा बीज जो गणित तथा तो बीज जो गणित ज्ञान को कारण उनके द्वारा दर्शकों के अनुभव श्रम के बल से दुष्कर जानने की गति जिनकी, ऐसा पदार्थों का समूह उनकी हुई है उपलब्धि अर्थात श्रद्धानुरूप प्रणति जिसके, ऐसा जो करना नियोग का ज्ञानी भाव है उसके बीज दृष्टि होती है वह बीज सम्यक जान। समझ में आया क्या? कौन सा सम्यक थे? बीज सम्यक। काय के निमित्त से? वह बीज के निमित्त से। बीज क्या है यहाँ पे? बीज किसको कहते हैं? बीज गणित। बीज गणित होता है ना, अर्थ क्या है? अलजेब्रा। तो ऐसे करना नियोग में बहुत सारे गणित के सूत्र होते हैं। करना नियोग में क्या है कि जानने की गति दुष्कर है, कठिन चीजें होती, लेकिन उसके निमित्त से किसी को श्रद्धान होता है, ऐसा क्या हो, कितना सूक्ष्म और अद्भुत निरूपण जिनाधम ने किया है। क्या मैंने जो गणित ज्ञान को कारण बोल, मतलब सारा वर्णन कैसे किया? गणित से। गणित से नहीं, गणित से वस्तु स्वरूप बताया, जैसे सारा कर्म सिद्धांत है वो गणित से बताया, कितनी कर्म प्रकृतियां हैं, किस गति में कितनी कर्म प्रकृतियों का बंद होता है, कितनी का उदय विच्छेद, कितनी का उदय सत्व, सब गणित से वर्णन, मैथ्स। अथवा जो त्रिलोक सार, जो त्रिलोक सार में भी, इसमें लब्धि सार में भी जो वर्णन है कितनी कर्म प्रकृतियों का बंद होता है, कितनी स्थिति का होता है, कितने परमाणु बनते हैं, कितना अनुभाव होता है, तो उसको पूरा गणित के माध्यम से समझाया है, थ्योरी से वगैरह सब उसमें था, थ्योरम सारी सिद्धियाँ होती, सब चीज़ें हर चीज का वर्णन मतलब गणित की मुख्यता से है, तो उसको जानने में उपयोग बहुत लग जाता है, घंटों पता ही चलते हैं, जैसे गणित की इक्वेशन सॉल्व करने पता ही चलते हैं, जैसे करना नियोग का आप अभ्यास करो तो उपयोग बहुत उसमें एकाग्र हो जाता है, और उपयोग जिसका एकाग्र हो जाता है तो फिर वो वस्तु समझने में आसानी हो जाती है, उसके निमित्त से जिसको सम्यक हो तो उसका नाम क्या? बी सब। देखो इसमें हुआ तो तत्वार श्रद्धा नहीं है, सब में ध्यान रखना, लेकिन कोई को करना नहीं हो के निमित्त से ऐसा श्रद्धा धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो गया, कितना अद्भुत वर्णन है। गणित का स्टूडेंट है तो उसको समझ में आएगा, अरे ये तो कोई अलौकिक चीज है, अपन तो लौकिक गणित को बहुत बड़ा मानते थे और यहाँ तो उससे भी अद्भुत वर्णन है, तो ऐसा जानकर उसको जिनमत की महिमा आई, और जिनमत के महिमा आने के बाद जिनमत के प्रतिपादक जो जो तत्व के प्रतिपादक शास्त्र को पढ़ा और उसमें श्रद्धा उत्पन्न हुआ, तो तत्वार श्रद्धा। ऐसे आचरण, किसी को आचरण का बहुत बहुमान है कि कैसा आचरण होना चाहिए, तो वो आचरण का सूक्ष्म निरूपण पढ़ के और ऐसा बहुमान आए कि देखो कितना पवित्र निरूपण जिनागम ने किया है, कितना सूक्ष्म और बारीक निरूपण क्या मुनिराज के आचरण का विधान करने वाला है, ऐसा ऐसा मुनि धर्म और विश्व में कहीं नहीं वर्णन है, इस तरह का वर्णन यहाँ पाया जाता है। ऐसे प्रथमा नियोग के अंदर से पुराण पुरुष कितने उपदेश, कितना निर्मल इनका आचरण है, ये तीन अनियोग आ गए इसके अंदर, प्रथमा नियोग, चरणा नियोग और कर्ण, तीन ही आ गए। अब दो तो दोनों सरल है, तथा पदार्थों को संक्षेप पने से जानकर जो श्रद्धालु जो श्रद्धालु हुआ सो भली संक्षेप दृष्टि, मैंने संक्षेप से जान के जो सम्यक हुआ। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़े में ही समझ जाते हैं, संक्षेप से पदार्थों का स्वरूप संक्षेप से जानकर जिनको सम्यक हुआ
तो संक्षेप से जान के वो तो संक्षेप दृष्टि होगी, संक्षेप सम्यक, सम्यक तो सम्यक है, लेकिन जिस तरह से विस्तार से सुन के हुआ, संक्षेप से सुन के हुआ, जिस तरह से हुआ उस पे सम्यक का नाम दे दिया। वो द्वादशा वाणी कितनी बड़ी, द्वादशांग 11 अंग 14 पूर्व द्वादशांग वाणी को सुनकर, जो सुनकर की गई जो रुचि श्रद्धां उसे है भवितु विस्तार दृष्टि जान के, विस्तार सम्यक है, किसी को डिटेल बहुत डिटेल जान के उसको सम्यक हुआ, तो विस्तार सम्यक है, संक्षेप से हो गया संक्षेप सम्यक। तथा जैन शास्त्र के वचन के सिवा किसी अर्थ के निमित्त से हुई स्वार्थ दृष्टि है, वार्थ सम्यक जानना, मैंने कोई चीज जानी जैसे दाल और छिलका अलग अलग, तुस मास भिन्नम, अब ये कोई शास्त्र का वचन नहीं था, और छिलका और दाल अलग अलग करती करती उसको देखा, और देख के वो उसी का विचार करने में एकाग्र हो गए, यही तो बात होती थी बिल्कुल सही। अब देख रहे हैं छिलका, क्या दाल को मतलब छिलके को दाल से अलग करते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसमें उनका चित्त एकाग्र हुआ उसमें नहीं हुआ, उसको देखकर उनको जो अपने गुरु की जो बात थी वो ख्याल में आ गई कि उसका क्या भाव था। अब शब्द कुछ और ही बोल रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा था मातुस मारुस, क्या कहा था मातुस और मारुस, इसका अर्थ क्या होता है, मां माने मत और तुष माने राग, मारुस मातुस, रुस माने राग और तुष माने द्वेष, मां माने मत, राग मत करो और द्वेष मत करो, ये कहा था। तो मातुस और मारुस, तो वो मातुस मारुस तो उन्होंने उसको मिला दिया तुस मास भिन्नम, तो तुस मास भिन्नम ये करने लगे, और तुस माने हो गया छिलका और मास माने दाल, तो छिलका और दाल भिन्न भिन्न, क्या कहा था कहाँ पहुंच गए, राग मत करो द्वेष मत करो, मातुस मारुस, राग मत करना द्वेष मत करना, अब ये भूल गए, इतना भी याद नहीं रहता था, तो बल्कि भूल के क्या याद करने लग गए हो, तुस मास भिन्नम तुस मास भिन्नम, ये रटने लग गए, और तुस और मास को देखा, छिलके और दाल को देखा, उन दोनों को भिन्न होते होते देखा, और उससे वो निकाला कि जैसे ये भिन्न भिन्न है ऐसे देवरात्मा भिन्न है। अब बोलो क्या, और उन्होंने उसको सुन के और अपना काम कर लिया। तो अब अर्थ तो कोई और था, ये जिनवाणी का वचन जो बोला गया था तो कुछ और ही बात थी, क्या अपन ने रेसिपी कुछ और लिख के दी, मैंने तो और भी कुछ बना लिया लेकिन और अच्छा बना लिया, और उन्होंने कहा ये तो यही रखी हुई है, ये तो और अच्छा बन गया, काम हो गया भाई, काम कर लिया उसने, तो सब सब कुछ सब चीज़ें एक तरफ रह जाती है, रिजल्ट आ गया ना, तो ऐसे उन्होंने अपना सम्यक मतलब उन्होंने अपना कार्य कर लिया, तो कार्य कर लिया तो उन्होंने कहा किसके निमित्त से हुआ, आपको कोई लेना देना नहीं, वो कोई जिन वचन के सिवा अन्य अर्थ के भी निमित्त से हुआ हो तो भी चलेगा, उसका नाम हम दे देंगे अर्थ सम्यक। हाँ, अब ये क्या है, इसमें मतलब उनको ज्ञान था, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान नहीं था, वो मान तुझ मान भिन्नम, तो वो उस शब्द को उन्होंने आधार बनाया, उस चीज को देखा, उस शब्द को शब्द से उन्होंने उसका वाच्य पकड़ा, तो वो ऐसा नहीं कि बस कोई चीज देखी खंबा देखा और उससे सम्यक हो गया, ऐसा नहीं है, मैंने किसी वस्तु को देख कर उसके निमित्त से जो जिनागम का उन्होंने उपदेश सुना और उसका उनको उस समय विचार हो गया, उसका श्रद्धा हो गया, समझ में आ रही ना बात, नहीं तो फिर अर्थ से भी सम्यक जाता ऐसा जान के फिर देशना लब्धि की जरूरत ही नहीं, उपदेश की क्या जरूरत, अर्थ को देखो, कल से तुम भी छिलका और दाल देखते रहो। हाँ इसलिए तो, लेकिन जो भाव था वो उसको ख्याल में आ गया, तो भाव की महिमा बताने के लिए कहा है वहां पे, क्या ये प्रयोजन उन्होंने सिद्ध कर लिया, लेकिन किसके लिए हुआ है प्रयोजन सिद्ध, जिसने पहले जिनागम का उपदेश सुन रखा था, तो उसने अर्थ को निमित्त बनाया, जिसके है ही नहीं वो क्या, उसको क्या है, रोजी उभारी भाई जो है छिलका कूटती रहती, अब बोलो असर किसके पड़ा हो, जिसके अंदर में पहले से थी वो उपदेश, जिन्होंने सुन रखा था मिराज से अपने गुरु से,
देव और आत्मा की भिन्नता सुन रखी थी, तो उन्होंने उस पर विचार किया, वो निमित्त बन गया, जो निमित्त बन गया उसके ऊपर नाम दे दिया अर्थ समय। अन्य पदार्थों के निमित्त से हुआ, जिनागम के वचन के निमित्त से नहीं हुआ, वचन तो कुछ और था और कोई और को निमित्त बनाया, वस्तु को निमित्त बना के, और फिर वस्तु को निमित्त बनाया और तत्व का विचार करके उसका श्रद्धा उत्पन्न हुआ, तो उस वस्तु के ऊपर नाम दे दिया सम्यक का अर्थ सम्यक, पदार्थ सम्यक अर्थ सम्यक। ठीक है, कि छह हो गए, ये कौन कौन से, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार और अर्थ सम्यक, छह ये, और दो पहले थे आज्ञा और मार्ग, निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से जो सम्यक, तो आज्ञा मार्ग दो या आठ, और दो या अवगाढ़ और परम अवगाढ़, ये अवगाढ़ और परम अवगाढ़ ज्ञान के सहकारी बने की अपेक्षा से, ज्ञान के सहकारी बने ज्ञान के साथ, यदि शुद्ध ज्ञान के साथ है, शुद्ध केवली जो है उनको परिपूर्ण शुद्ध ज्ञान होता है, तो शुद्ध केवली के जो शुद्ध ज्ञान द्वादशांग के ज्ञान के साथ में जो सम्यक है, तो द्वादशांग के ज्ञान के साथ होने से उसका नाम क्या है, अवगाढ़, क्योंकि उसका श्रद्धांत दृढ़ है, वो केवल ज्ञान के साथ जो सम्यक है उसका नाम है परमावगाढ़, सहकारी मैंने साथ। ऐसे दस प्रकार सम्यक के भेद किए, कुछ लिखना होगा और कुछ, इस प्रकार सम्यक के दस भेद किए, उनको भी जो भी लिखना था शायद वो यही डाल देते हैं दोहा, ऐसा कैसा जो भी उनके चित्त में था वो ही जानते हैं। वहां सर्वत्र सम्यक का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धा नहीं जानना, हमने दस भेद तो हमने निमित्त आदि की अपेक्षा किए हैं, लेकिन हर जगह सम्यक तो ही लगाना तत्वार्थ श्रद्धा, ऐसा नहीं बस गणित बड़ी सीख ले तत्वार्थ श्रद्धा नहीं करे तो सम्यक लगे, या बीस या उपदेश सुन ले, या भी क्या सूत्र कर ले, या जो भी है वो संक्षेप से स्तर, काम सब में एक होना चाहिए, क्या तत्वार्थ श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धा, ये हो गया अपना ये पूरा। अब देखो ये करना नहीं होता है क्या, ये जो है ये थोड़ा वर्णन मतलब कठिन पड़ता है कई लोगों को, क्योंकि उनको इसका अभ्यास नहीं होता ना, तो ये कठिन पड़ता है। अब ये क्या करें, इसके दो उपाय हैं अपने पास, एक उपाय तो ये है कि इसको केवल पढ़ लें, एक दूसरा ये है कि इसको समझें, और तीसरा है कि इसको समझने के लिए और जो चीज जरूरी है वो भी समझें, क्योंकि ये मतलब बढ़िया है, ये लेकिन इसके लिए देखो क्या समझना पड़ेगा, मैं आपसे आपके थोड़ी टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट नहीं ले सकता लेकिन मेरे को पता चल जाएगा कि भाई कितना आपको मालूम है और उसमें कितना अपन जा सकते हैं क्या, और यदि मेरे को बिल्कुल वो है लगा कि कुछ भी नहीं है यहाँ तो मैं पढ़ ही दूंगा बस फिर, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा है जो जिसका बेस तैयार नहीं हो उसको समझाने की कोशिश करो तो 10 साल तक भी कोशिश करो तो भी नहीं आएगा, और यदि बेस होएगा तो जाएगा थोड़ी बहुत कोशिश करने। देखो बेसिक चीज पूछता हूँ, इधर वाले कोई नहीं बोल, जब इधर वालों से पूछो तो इधर वाले को, देखो ये बताओ कि मोनी कर्म के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, कौन कौन से, दर्शन मोनी और चायना मोनी, दर्शन मोनी के कितने भेद हैं, तीन, कौन कौन से, बहुत बढ़िया, दर्शन मोह के भेद हैं, बताओ और किसी, इधर से कोई कुछ नहीं बोलना है, यदि बोला ना जिसने तो उसको ये समझने का कोई चांस नहीं रहेगा, ये किसके भेद है, ये दर्शन मोनी कर्म प्रकृति के है ना, ये सम्यक के भेद तो ही पूछे, दर्शन मोनी के भेद ना ये, कौन कौन से, अभी सुन, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये तीन भेद है, और चैत्र मोनी के कितने भेद है, पीछे वाले बताओ चैत्र मोनी कितने भेद है, 25, सुमित जी बताओ कितने भेद है चैत्र मोनी, हैं नहीं मालूम, किस किस को मालूम,
इस वाली बेंच में देखो, इसमें कोई आपको झिझक नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और कुछ नहीं कि मेरे को कहाँ तक घुसना है। शायद मुझे कितने भेद हैं, थर्ड बेंच, थर्ड बेंच, थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो में बताओ 25 कौन से मालूम है, चार के नाम क्या उनके हैं, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन, क्रोधमान, हाँ, नोकशाय, ये हो गए 16 और 25 कशाय हुई और तीनों हो गए, दर्शन मुनि कितने बजे, तीन, तो कितने हो गए टोटल 28। चलो एक परीक्षा में तो पास हो। अभी बताओ कि ये उपशम क्षय क्षय, ये तो खैर बहुत कठिन बात होगी, बंद उदय सत्ता, बंद उदय सत्ता, तो बंद क्या है, उदय क्या है, सत्ता क्या है, इसका ज्ञान है, किस किस को ज्ञान है, बंद मालूम, बंद किस किस का मालूम है, अच्छा हाथ खड़ा, मैं पूछूंगा नहीं, चलो ऐसे पूछो, बंद नहीं मालूम, बंद है, उदय, उदय मालूम है, हाँ, जैसे अभी अपने को चार आयु में से कौन सी आयु का उदय चल रहा है, मनुष्य का उदय चल रहा है, मनुष्य का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और यहाँ मरने के बाद कौन सी आयु का उदय चलेगा, किसका मालूम है, किसी को नहीं, जब बंधेगी उसका उदय आएगा, है ना, अपन अपने एक समय में कितनी आयु का सत्व मिल सकता है, अपनी किसी भी व्यक्ति को यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको कितनी आयु की सत्ता मिल सकती है, सत्ता कितनी आयु की मिल सकती है, देखो इसका आंसर एक की, दो की, तीन की, चार की, एक की, चारों की, चल दो आंसर और एक की आयु सत्ता रहेगी, किसी की दो भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, ये भी एक आंसर, और एक की, देखो सत्ता किसी को एक ही आयु की रहेगी क्या, सबको ये बताओ, सत्ता में जैसे आपको परीक्षा में प्रश्न आया कि आपके अधिक से अधिक कितने आयु कर्म की सत्ता हो सकती है, ये अधिक से अधिक शब्द जोड़ो, आपके अधिक से अधिक कितने आयु कर्म की सत्ता हो सकती है, बताओ इसका आंसर चार है, एक दो तीन चार, कौन सा आंसर है, चार, मैंने अधिक से अधिक हमारे कितने आयु की सत्ता हो सकती है, चार, आपका कहना है एक, ये दोनों ही गलत है आंसर, अधिक से अधिक अपने को दो आयु की सत्ता दे सकती, एक जो भोग रहे वो और एक जो बांधेंगे वो, इसमें इसमें कौन सी बहुत बुद्धि की जरूरत है बताओ तो सही, सत्ता तो सत्ता ही तो है, उसकी सत्ता, सत्ता दो ही आयु की तो रहेगी, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक बंद गई, अधिक से अधिक बंद में वो एक अधिक से अधिक शब्द जोड़ा ना, तो अधिक से अधिक का मतलब ये कि जिसके बंद गई है उसकी बात कर रहे हैं, कम से कम, चलो कम से कम, कम से कम कितनी आयु की सत्ता है, हाँ समझ में आया ना, ये जैसे बंद उदय सत्ता का है पूरा, जैसे मोनी का मैंने पहले बताया था, मोनी की कितनी प्रकृतियों का, अभी पहले चलो बंद से चालू करते हैं, अपने को मोनी की किसी एट ए गिवन टाइम एक किसी भी विवक्षित काल में किसी जीव को अधिक से अधिक मोनी की कितनी प्रकृतियों का बंद हो सकता है, अधिक से अधिक बंद, अधिक से अधिक कितनी प्रकृतियों का बंद हो सकता है मोनी की, अब मैं इसके लिए दो नियम बताता हूँ तो आप निकाल लो, तीन नियम पहले सुन लो कि मोनी की दो प्रकृतियां कभी बनती नहीं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, बंद केवल मिथ्यात्व ही होता है,
एक नियम तो ये, उन दो की सत्ता जो है सम्यक रूप परिणामों के द्वारा उत्पन्न होती है। सम्यक दर्शन जब होता है तो मिथ्यात् के तीन टुकड़े होते हैं, और तब तीन टुकड़े होके उन दो प्रकृतियों की, एक मिथ्यात् के तीन टुकड़े होके दो की और सत्ता उत्पन्न होती है, उसके पहले नहीं होती। जब तक सम्यक नहीं होगा तब तक तीन की सत्ता ही नहीं मिलेगी, एक मिथ्यात् की सत्ता मिलेगी। नियम याद रख लिया, नियम लिख लो एक अगली, ये जिंदगी भर याद रखना है। ये जो रूल में बता रहा हूँ ना आप, ये रूल की पॉइंट है सब, कि कभी भी मिथ्यात्व के अलावा अन्य दो दर्शन होने की प्रकृतियों का बंध नहीं होता, बंध केवल मिथ्यात्व का ही होता है, और सम्यक रूप परिणामों के द्वारा मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होकर मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व सम्यक जैसे तीन प्रकृतियां बन जाती है। जब सम्यक के द्वारा कोई सा भी सम्यक होगा तब ये हो जाएगा, छाई में तो तीनों ही नहीं रहेगी, छाई हो जाएगा, लेकिन उपशम और छह उपशम में तीन के उस मिथ्यात्व क्या हो जाएंगे, तीन टुकड़े। तो बंध योग्य एक ही है, और उदय योग्य दर्शन होने की, उदय योग उदय दर्शन होने की कितने का हो सकता है, उदय दर्शन होने की तीनों का हो सकता है, मतलब एट ए टाइम तो एक ही का होगा, लेकिन उदय योग्य तीनों ही है, तीनों में से कोई भी एक का उदय हो सकता है, और सत्ता भी तीनों में से तीनों की हो सकती है, दो की भी हो सकती है, एक वो अलग बात। तो पहला एक पॉइंट तो बंद में पहला रूल क्या याद करा, कोई भी कॉपी नहीं लाया हुआ, अच्छी बात है। तो पहला रूल तो यह है पहला रूल तो यह है कि बंद योग की प्रकृति एकमात्र क्या है, मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति बंद क्या ही होगी। पहला दूसरा रूल, तीन वेद में से एक समय में एक ही वेद बंधेगा, तीनों वेद एक साथ नहीं बंधेंगे, क्योंकि जैसे मतलब जिन परिणामों से एक ही वेद एक काल में बनता है, एक ही परिणाम से तीन वेद नहीं बनते एक काल में, कोई भी एक परिणाम से एक ही वेद बंधेगा, बाकी दो वेद नहीं बंधेंगे उस काल में, ऐसे है ना। और अब तीसरा नियम, हास्य रति का जोड़ा और अलति शोक का जोड़ा, इन दो जोड़ों में कोई एक ही जोड़ा बंधेगा, यदि हास्य रति बन रही है तो अलति शोक नहीं बंधेगी, और अलति शोक बन रही है तो हास्य रति। ये तीन आपको मैंने रूल दे दी ना। अब अपने को बताना है कि अधिक से अधिक मिथ्या दृष्टि को कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है मोहनी की, ये आप कागज पे लिख लो, भले ही थोड़ा सोच लो और फिर खड़ा करना हाथ, मेरे को बता देना मोहनी की अधिक से अधिक कितनी प्रकृतियों का बंध किसी एक काल में किसी जीव को हो सकता है, एक काल में, एक काल में है इसलिए मैंने नियम दिए, एक काल के लिए बताना ये, किसी एक काल में मोहन किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव को अधिक से अधिक मोह की कितनी प्रकृतियों का बंध संभव है, अधिक से अधिक। अरे बोलना नहीं, लिख के पहले हाथ खड़ा करना, बस बात में आकर एक बार पहले बना लो क्या है क्या, तब तक मैं ही बना लो। हाँ बताओ कौन का हाथ खड़ा है, बताओ, एक जना, दो जना, चलो बताओ कितनी है, दस, तुमने तो बहुत सारी उड़ा दी, अच्छा सारी वो सब उड़ा दी, मतलब सोलह कषाय, बंद तो सबका होएगा, बंद सबका होता भैया, उदय चार का होता है, चलो और कोई, इक्कीस, हाँ और बाईस, 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 इक्कीस, अरे कौन सी एक कम कर दी, चलो और कोई हो गया, फाइनल आंसर इज बाईस, बाईस है, कौन सी बाईस है बताओ, बाईस बताओ कौन सी, एक मिनट चलो बताओ, बाईस सत्रह, उन्नीस, बीस और दो बाईस हो गई, बाईस नहीं बाईस, छह हटा दो, सम्यक मिथ्या सम्यक दो, हास्य रति अरति शोक से एक का या दो, मतलब चार में से दो गई, दो और दो चार,
और तीन वेद में से दो वेद गए, 6, 28 में से 6 गए, 22 आए कि नहीं समझ में। तो एक काल में किसी भी जीव को कितना बंद होगा? 22। और यूं अलग अलग कालों में मिथ्यात्री को कितना बंद होएगा? अलग अलग कालों में अपने को कितने का बंद हो सकता है? मतलब कोई मिथ्या दृष्टि जीव अभी इस काल में, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव को बंधने योग्य प्रकृति कुल कितनी है? मिथ्यात्व के मोनी की, मोनी की तो पूरी की पूरी, पूरी की पूरी कितनी? 16 और 25 कहाँ से? 16 25 बाकी तीन दर्शन मोनी की 28 से बंद रहेगी? नहीं, उसमें से एक ही मिथ्या, नहीं अलग अलग कालों में भी कहो तो अलग अलग काल में, जैसे अलग अलग काल की प्रकृति कुल कितनी है मोनी की? 26 ही है। दो तो अबंध प्रकृतियां हैं, दो का बंध किसी जीव को कभी नहीं होता। अच्छा, हाँ, वो दो का बंध कभी किसी को होता ही नहीं। हास्य रति अभी बंध रही है, अभी अरति शोक नहीं बंध रही, लेकिन आगे अरति शोक बंध लग जाए हास्य रति नहीं बंध रही, तो बंधने योग्य तो कहलाएगी ना। समझ में आया? जैसे अभी स्त्री वेद बंध रहा है तो बाकी दो वेद नहीं बंध रहे, तो एट ए टाइम किसी विवक्षित काल में दो नहीं बंध रही है, लेकिन सारे काल को जोड़ो तो अभी स्त्री वेद बंध रहा है, आगे पुरुष बंध रहा है, नपुंसक, तो तीनों जुड़ जाएगी। जैसे अभी हास्य रति बंध रहा है, आगे अरति शोक बंध रहा है, तो वो भी जुड़ जाएगी। लेकिन सम्यक मिथ्या तो सम्यक से ऐसी जो कभी बनती नहीं, इसलिए उन लोगों को तो हमेशा माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी नहीं बनती। ऐसा नहीं कि अभी मिथ्या बन रहा है, आगे सम्यक मिथ्या बन जाए, फिर सम्यक बन जाए, ऐसा नहीं, वो बनती नहीं कभी। कितनी हो गई? 26। दो को माइनस किया तो नाना काल में अलग अलग कालों में बंधे तो कितनी बंधेगी अपने को? 26। समझ में नहीं आ रहा आया क्या है? एक काल बने किसी एक काल में, एक समय में, जिस समय में स्त्री वेद बांध रहे उस समय दो वेद नहीं बंध रहे हैं, हास्य 22 एक समय में 22, अगले समय में 4 चेंज हो गई, तो 4 चेंज होके वो भी बन जाए 26 हो जाएगी। वो चेंज हो जाती है ना, वो परिवर्तित प्रकृतियाँ हैं, परिवर्तन हो जाता है। हास्य रति की जगह अरति शोक बनने लग गई, स्त्री वेद की जगह पुरुष वेद, फिर नपुंसक वेद, तो ये दो चार जो बनने घटे थी और जोड़ लो 26 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? आ रही कि नहीं आ रही? ये बंद क्या, ये बंद की बात है, ये किसको बनती है? मिथ्या दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को कितनी बनेगी बताओ? अधिक से अधिक, मतलब नाना कालों में नहीं ले अपन, एक काल में कितनी बनेगी? एक काल की बात करो। केवल गिनती बताना, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके पूछ लो, हाथ कौन खड़ा करा? हाँ बताओ। 18। चलो 18 हो गई आंसर। अच्छा, एक समय में अधिक से अधिक 18 और 18 ही, और लॉक कर दे 18 को। 17 किसका आंसर है? 17 सही आंसर है। ये मिथ्यात् को नहीं घटाया? हाँ, मिथ्यात् और अनंतानुबंधी 4 कषाय है, 5 घटेगी, 17 का बंद होगा उसको। एक समय में अधिक से अधिक कितने का बंद होगा? 17 का। 22 में से 22, क्योंकि 22 का बंद होगा, 22 में 5 चलेगी, मिथ्यात् और अनंतानुबंधी चौकड़ी, तो 5 गई तो 17 बची। पंचम गुणस्थान बढ़ती है, चौथे से पांचवें गुणस्थान में आई, तो उसके कितने अधिक से अधिक बंदेगी एक समय में? 13। और छठे सातवें गुणस्थान बढ़ती है उनके अधिक से अधिक एक काल में? 9। ऐसे चलता रहेगा हिसाब का, फिर 9 से और घटाएंगे अपन, फिर 9 में से हास्य रति अरति शोक जो ये जोड़ा है ना, तो ये 2 और भय जो सही 4 और चली जाएगी, ये 4 का बंधन मिट जाएगा आठवें गुणस्थान में, तो फिर 5 बंधेगी, 5 में से वेद का भी बंध मिट जाएगा, तो 4 ही बंधेगी, फिर एक क्रोध मान माया लोभ में एक एक का बंध मिटता जाता है, क्रोध का बंध मिटता, मान का, माया का, फिर किसी का बंध नहीं होता, जीरो हो जाता है, ऐसा ऐसा आ रहा है समझ में? ये तो अभी सरल है, अभी इससे थोड़ा कठिन है। अभी उदय की बात करते, थोड़ा सा बंद की समझ में आया ना, ये तो कितना क्या हो रहा है बंद। बंद माने नई परचेसिंग,
नया बंध, नया बंधान, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि नया बंधान मतलब नया कर्जा ही है, ये नया कर्जा ये आगे भुगतेंगे। अब उदय की बात करते हैं अपन, तो उदय जो है मोनी की एक समय में, अभी अपने को कितनी प्रकृतियों का उदय चल रहा है, अधिक से अधिक कितना का उदय हो सकता है बताओ, मोनी की कितनी प्रकृतियों का अधिक से अधिक उदय हो सकता है। अब मैं इसके भी नियम बताता हूँ, पहले नियम सुनना। पहला नियम, दर्शन हो कि तीन प्रकृति मिथ्या समय मिथ्या समय, एक काल में एक ही का उदय होता है, तीनों का उदय नहीं होता, दो का भी नहीं होता, एक काल में एक का। क्रोध मान माया लोभ चार कषायों में से एक काल में एक ही कषाय का उदय होता है, तीन वेद में से एक काल में एक ही वेद का उदय होगा, हास्य रति अरति शोक के जोड़े में से एक काल में एक ही जोड़े का उदय होगा। ऐसा नहीं होगा कोई आदमी हंस भी रहा और शोक भी कर रहा, संभव नहीं, रति भी और अरति भी होगी होगा। भय जुगुप्सा कभी होता है कभी नहीं होता, कभी भय हो जाती है, कभी अकेली जुगुप्सा होती है, कभी दोनों हो जाते हैं, कभी दोनों ही नहीं होते। अब बताना कि एक काल में एक जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को अधिक से अधिक कितनी प्रकृतियों का उदय संभव है। बाईस का उदय है, चलो और पांच का उदय है, कितना डिफरेंस है आप लोगों में, एक पांच और एक बाईस कैसे बिठा था। अच्छा इधर से कहा एक क्या कि चार, एक से चार बचे, दस 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 है, दस 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 दस। जब क्रोध का उदय होगा तो मान माया लोभ का नहीं होगा, बारह का था, बहुत बढ़िया है, बारह गई एक तरफ, बारह हो गई, दो दो वेद गए चौदह, हास्यरति का जोड़ा चौदह और दो सोलह, और दो सम्यक मिथ्या सम्यक चली गई समझ लो, सोलह और दो अठारह, अठारह चली गई तो बची कितनी, दस, दस बची, अधिक से अधिक दस का उदय, ऐसे ऐसे समझ लो, अपने को भी कितने का उदय चल रहा होगा, अधिक से दस का ही, दस से निपटना, लेकिन दस में एक किंग है मिथ्या, उसके साथ में अनंतानुबंधी का कोई सा भी क्रोध मान माया या लोभ, एक और एक दो, ये दो बहुत बड़े हैं, ये आठ तो फिर भी ठीक ठाक है, अब प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजुलन का जो भी क्रोध मान माया लोभ का तीन ये, और दो पांच वो दो हास्य रति अरति वो या रति शोक का जोड़ा, तो उसमें तीन और दो पांच, ये पांचों और साथ में एक वेद सात और भय जुगुप्सा, ये नौ तो ठीक ठाक है, मतलब कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन ये नौ नहीं आठ, ये आठ ठीक ठाक है, तीन और पांच ये, लेकिन ये जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय बड़े हैं, सबसे बलवान ये दस का अधिक से अधिक नहीं चलेगा। अब बताओ चलो सत्ता की बात करते हैं थोड़ी सी, सत्ता के नियम, कोई नियम नहीं है सत्ता, कोई नियम ही नहीं है सत्ता के अंदर, सब कुछ हो सकता है, अधिक से अधिक मिथ्या दृष्टि के कितने की सत्ता हो सकती है, मिथ्या दृष्टि जीव को अधिक से अधिक कितनी प्रकृति की सत्ता हो सकती है। मोनी मोनी की बात, देखो ये है ना, इसमें एक बात ध्यान रखना, सम्यक की जब भी बात करेंगे तो मोनी कर्म के अलावा और किसी की बात नहीं करेंगे, छब्बीस और आयु का चक्कर, अरे आयु का लिया मोनी की बात कर रहे, मोनी मोनी की सत्ता कितने कर सकते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव, देखो एक तो आंसर आ गया छब्बीस और दो उधर किसी को अट्ठाईस की सत्ता हो सकती, छब्बीस नहीं, सत्ता 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 में अट्ठाईस की हो सकती है, कोई जीव सम्यक प्रकट करे और तीन टुकड़े कर दे और फिर अंतर्मूल बाद मिथ्यात् में आ जाए तो उसके तीन टुकड़े भी रहेंगे, इसलिए तीन टुकड़े रहने के कारण उसका अट्ठाईस के अट्ठाईस सत्ता हो सकता है, पौसी अनादि मिथ्या दृष्टि के छब्बीस, सादी मिथ्या दृष्टि के अट्ठाईस हो सकती है, अट्ठाईस हो सकती है सादी मिथ्या दृष्टि, ठीक है। तो बस अब ये है, अब ये
अब देखो अब आपको दूसरी चीजें पूछते हैं आपको, ये जो खास पांच भावों के नाम किस किस को याद है? पंच भाव, पंच भाव किसने पढ़े आज तक? नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, मैं पढ़ूंगा फिर इसे। पंच भाव किसी ने नहीं पढ़ रखे? एक जन आपसे तो पढ़ रखे हो, पढ़ रखे पांच भाव, और किसने पढ़ रखे? कोई ने नहीं पढ़ रखे, किसी को नाम भी याद नहीं है, बताओ। के पांच भाव है ना ये, जीवस्य स्वतत्व, ये औक्षमिक क्षयिको विशिष्ट जीवस्य स्वतत्व औदयिक पारिणामिको च, तत्वार्थ तो याद नहीं किसी के, याद कैसे होगा, पढ़ाएंगे तो याद नहीं किसी। अभी पांच भाव तो किसी को भी नहीं मालूम है, और इन पांच भाव में से तीन भाव की बात चलेगी, उपशम भाव, क्षयोपशम भाव, क्षयिक भाव, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत उदय की बात करेंगे, उदय भाव, चार भाव के आधार पर पूरा वर्णन है, इसलिए मैंने कहा बेस तैयार है। पांच भाव नहीं पढ़ रखे ना अभी, पांच भाव के बिना ये समझना मुश्किल है, कल करेंगे, पांच भाव करना पड़ेंगे पहले। चलो मोनी वोनी में तो फिर भी आप लोग अच्छा चलता दिमाग, कितनी बंद है उदय सत्ता है उसमें तो बुद्धि चल जाता है, अभी ये पांच भाव जब तक आएंगे ही नहीं तो दिमाग कैसे चलेगा। तो पंच भाव अपने को समझना होंगे, उसकी चर्चा अपन कल से देखेंगे।